दीपाली नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा क्वेश्चन है ट्राइडेंट लिमिटेड पे, जो मैंने 25 रुपये से मैं बाइंग कर रहा हूँ। अभी 25 रुपये, 35 रुपये और 45 रुपीज पे बाइंग की है, तो अभी भी मैं बाइंग करना चाहता हूँ, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करना का चाहता हूँ उसमें 2025 तक, तो क्या वो सही रहेगा? मतलब 2025 तक आप और ऐड करना चाहते हैं क्वांटिटी इसी स्टॉक में। हाँ जी हाँ, मेरे पास और कई स्टॉक है लेकिन इसमें भी करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है मानस, हालांकि इनका बताइए क्या सजेशन होगा। देखिए ऑलरेडी 5,000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 25 रुपए की बाइंग है। ट्राइडेंट जब मार्केट फिसला तो लोअर सर्किट में लगा रहा था, लेकिन वापस तेजी से घूमा भी निचले स्तरों से, 45-46 के आसपास से आई गया सर, फिर इसने अपर सर्किट भी लगाए, आज ये फ्लैट बंद हुआ। अब ये 2025 तक यानी आने वाले कुछ सालों तक इसको खरीदते रहना चाहिए, मतलब आई एम नॉट श्योर आप कमेंट कर पाएंगे कि नहीं, क्या सजेशन होगा। देखिए देखिए, इनकी जो प्रॉब्लम है, इनका जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब तो कोई फंडामेंटल एनालिस्ट दे पाएगा, वो बेहतर एनालिस्ट होगा जो आपको इसका सही सही जवाब दे। लेकिन मैं आपको टेक्निकली इसका जो जो ट्रेंड है वो बताता हूँ। जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव लगता है। दिक्कत की बात केवल इतनी है कि ये 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, तो आपको कभी भी लोअर सर्किट लगेंगे तो शायद निकलने को नहीं बनेगा, इसलिए बहुत अलर्ट होकर इसमें ट्रेड करना चाहिए। कभी भी आपको ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखे तो आपको बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। जो प्राइस पे सपोर्ट है वो मैं आपको मेंशन बता देता हूँ। एक तो आपको ध्यान रखना है 44 के स्तर का। अगर 44 रुपए के नीचे स्टॉक जाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि अब ये रैली कंप्लीट हो गई है और अब यहां से आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहली चीज, आपको प्राइस पे 44 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। जहां तक बात ऊपर की है, मेरा समझना है जो टारगेट है, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो टारगेट आता है 72 रुपए के आसपास। 72 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको 44 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा। उसके नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाइए, बट फिलहाल के लिए अच्छा लगता है इसलिए बिल्कुल बने रहिए। तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, लेवल्स आपको मानस ने बताए हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 45 रुपए के आसपास का और रखिए स्टॉक को। अगले कॉलर से बात करेंगे आशीष।